सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 12 के रिजल्ट शुक्रवार को घोषित कर दिए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण देश भर के तमाम बोर्ड इंटर और हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षा रद्द कर दिए थे, साथ ही उनके प्री परीक्षा के आधार पर रिजल्ट घोषित करने का निर्णय लिया था, जिसके बाद से छात्र छात्राएं अपने परिणाम जानने के लिए काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही छात्र छात्राओं को सूचना मिली कि सीबीएसई बोर्ड 12वीं के परिणाम घोषित करने वाले हैं, वो सुबह से ही इंटरनेट के जरिए मोबाइल पर परिणाम का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही परीक्षा परिणाम घोषित हुए, बच्चों के चेहरे खिल उठे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। उत्तीर्ण छात्र छात्राओं ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत सरकार ने जो भी निर्णय लिया था सही था, परीक्षा परिणाम से संतुष्ट हैं। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्रा इशिता भारद्वाज, छात्र प्रतीक जायसवाल एवं विशाल गुप्ता ने कहा, राधा पांडे। आपका किस तरह से कितना परसेंट आया? 12th में 92% आया। आप किस तरीके से पढ़ाई करते थे, किस तरीके से आ रहे थे? हम सेल्फ स्टडी करते थे और टीचर्स की हेल्प से और पेरेंट्स की और ओनर्स की हेल्प से हमारी रिजल्ट आया। आप क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। विशाल गुप्ता। आपने किस तरह से कितना परसेंट आया? जी 12th में सर 94.8% आया। आप किस तरीके से तैयारी करते हैं? जी अभी आपने तो सर जैसे देखा ही होगा कि सर 2 साल से हम लोग ऑनलाइन क्लास ही कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में सर ये हमको फ़ायदा मिला कि सर जैसे आने जाने का सर टाइम भी बच जाता था और सर घर पे रह के सर पूरे अनुकूल जो है इन्वायरमेंट में सर हम लोग पढ़ते थे, तो ऑनलाइन क्लास अच्छा भी था एक तरह से देखा जाए तो। वैसे फिजिकल क्लासेस होती तो सर ज़्यादा बेटर होता, लेकिन सर ऑनलाइन क्लास में अब जैसे कि अब सारी दुनिया एडजस्ट कर रही है तो सर हमने भी एडजस्ट किया और हम लोग को सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ऑनलाइन क्लास में। और हमको जो है मैं अपना पूरा जो है मेहनत का श्रेय जो है अपने माता पिता और टीचर्स और आरपीएम अकेडमी को देना चाहता हूँ। सर आगे क्या बनना? सर आगे हम सर ग्रेजुएशन के बाद सर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। इशिता भारद्वाज। आप किस क्लास में आगे निकल रही हैं, कितना परसेंट आया? 96। आप किस तरीके से तैयारी करते हैं? क्योंकि कोविड की वजह से सब कुछ ऑनलाइन हो गया था तो घर पे बैठ के तैयारी करना पड़ता था, तो वो एक तरीके से एडवांटेज भी था क्योंकि स्कूल आने और जाने में भी टाइम लगता था, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के मुश्किल परिस्थितियों का भी को भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके मैंने पढ़ाई किया। और यहाँ के टीचर्स, ऑनलाइन क्लासेस, कोई भी डाउट होता था तो हम लोग तुरंत कॉल कर लेते थे तो टीचर्स तुरंत उसको सॉल्व भी कर देते थे, तो ऑनलाइन का भी एक अच्छे तरीके से यूज़ करके मैंने उस जितने भी क्रिटिकल सिचुएशंस थी उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके पढ़ाई किया। सकता है अच्छा आता, लेकिन मेरे ख्याल से कोविड की सिचुएशन और जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे थे उसके हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया हम सब के लिए, तो कहीं कहीं अफसोस नहीं होता, मेरे ख्याल से डिसीजन अच्छा था कोविड की। ठीक जायसवाल। आपने किस क्लास में कितना परसेंट? क्लास 12th इस बार था मेरा और मैं जो 96.6% आया हूँ। प्रॉब्लम तो हुआ था जैसे कि नेटवर्क प्रॉब्लम अक्सर हुए थे, लेकिन जो है टीचर्स का फुल सपोर्ट था और गाइडेंस भी हमेशा मिलने की वजह से जो है मैं ये जो है 95, अगर रिजल्ट आता, अगर एग्ज़ाम भी होते तो 95% एवर भी मैं स्कोर करता। एग्ज़ाम होता तो इससे अच्छे रिजल्ट। हाँ।